नमस्कार दोस्तों, ई शाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के चौथे सप्ताह के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ई शाला के सभी वीडियो के लिए आप ई शाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। किस जिले में सुरक्षा बलों पर हुए बड़े हमले में 24 अप्रैल 2017 को 25 जवान शहीद हो गए? सही उत्तर सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य जवान घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब 24 अप्रैल 2017 को सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान रोड निर्माण कार्य में सहयोग के लिए लगे हुए थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन को पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन गांव, तहसील एवं जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के सबसे बेहतर ग्राम पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार भी दिया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2017 किस भारतीय ने जीता है? सही उत्तर प्रफुल्ल समंत। 23 अप्रैल 2017 को अमेरिका में की गई घोषणा में भारत के सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल समंत को वर्ष 2017 का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। समंत ने ओडिशा में वेदांता कंपनी के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसे वर्ष 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर के विश्वनाथ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कासिनथुनी विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कासिनथुनी विश्वनाथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 48वें व्यक्ति हैं। किस फिल्म अभिनेता का 27 अप्रैल 2017 को निधन हो गया? सही उत्तर विनोद खन्ना। अभिनेता विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विनोद खन्ना का जन्म 1946 में पेशावर में हुआ था। एक सफल फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वे एक राजनेता भी थे। वे पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद थे। वे केंद्र सरकार में पर्यटन व विदेश राज्य मंत्री भी रहे। किस कवि और प्रोफेसर को 27 अप्रैल 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर शंख घोष। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बंगला के मूर्धन्य कवि, आलोचक और शिक्षाविद प्रोफेसर शंख घोष को 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्म भूषण प्रोफेसर शंख घोष एक उत्कृष्ट कवि, समालोचक और विख्यात शिक्षक हैं। भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को सेना से कितनी टाटा सफारी बनाने का ऑर्डर मिला है? सही उत्तर 3192। भारतीय सेना जल्द ही टाटा मोटर्स की सफारी स्टॉर्म का इस्तेमाल करेगी। लंबे अरसे तक भारतीय सेना का हिस्सा रही जिप्सी की जगह अब टाटा मोटर्स की सफारी स्टॉर्म स्थान लेगी। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी का निम्न में से क्या नाम है? सही उत्तर यूनुस खान। पाकिस्तानी क्रिकेटर यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में 58 रन की पारी के दौरान उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन का आंकड़ा छूने वाले वे दुनिया के 13वें बल्लेबाज। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं।